गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं पार्क, तो आज का डे संडे तो देख सकते हैं हम चलते हैं पार्क में एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग टोटो में बैठे हुए हैं, तो ये इस तरीके से देखिए मार्केट है। कुर्ता और जींस पहन के जा रहे हैं, देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा पार्क है। ओके, फाइनली हम लोग पार्क पहुंच गए हैं, तो यही पार्क है ब्रह्मा पार्क। इस तरीके से कुछ लुक है बिल्कुल ब्रह्मा पार्क का। देख सकते हैं, अब अंदर एंट्री करके देखते हैं कैसा है पार्क। तो ये है टिकट काउंटर यहाँ का, यहाँ टिकट लगेगी, इसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। क्यों लेंगे पार्क चुप रहो। तो ऐसे डाल दिया होगा कहीं से गेट उठ पर गया। नहीं, आगे तो था। कहाँ का? तो ये है बिल्कुल भूत कापड़ पार्क जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं निकला। अब बच्चे तो सोच रहे थे कि झूला वगैरह मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये है खेलने के लिए। पता है आप लोगों को, हम लोग 90 रुपया किराया लगा कर आए हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टिकट। फिर भी चलिए मजा तो लेंगे ही लेंगे, आए हैं तो आप लोगों को भी इंजॉय करवाएंगे। कुछ लोग वगैरह हैं, आगे देखते हैं। फुल फ्लावर है, बाकी झूला उला नहीं है। जो बच्चे लोग को चाहिए वो नहीं है, झूला वगैरह नहीं है। चलिए देखते हैं कौन लोग भाग गए उधर। तो थोड़ा सा ऐसे ही कुछ कुछ बनाया गया है। किस पे? उस पे बैठे गए हैं। वो फूल है, देखिए वहाँ पे पुल बना हुआ है। ये बापू जी हैं, ये हैं हमारे बापू जी, महात्मा गांधी बापू जी। चलिए चलते हैं पुल की ओर। लड्डू कैसा लग रहा है? कुर्ता धोती पहन के आया था। लड्डू कैसा लग रहा है? लड्डू नाम सुने थे तो सोचे चलो थोड़ा सा देखते हैं कैसा है ना। बट नहीं है, बच्चे के लिए थोड़ा झूला वगैरह होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है, ऐसे ही है सिंपल। दौड़ो दौड़ो लड्डू, दौड़ के आओ लड्डू, दौड़ के आओ। यहाँ पे फ्लावर भी है। छुट्टी है? ये पार्क है। क्या है? छुट्टी नहीं है लड्डू, पार्क है लड्डू। ऐसे ही है, बस जैसे घर पास में होगा ना उसके लिए सही है कि इवनिंग में आकर। 10 को लगा 45 उधर लिया बेटा। तुमको काटता है? देखिए जामुन 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 का सीन। यहाँ बस यही सब लिखा हुआ है, बहेरा ला। इसका पेड़ नहीं लगाया गया है, पिक्चर लगाया गया है। आड़ूसा, इमली, नीम, अभी शायद ये और बनेगा। हाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। भीड़ भी कुछ नहीं है खास, देख सकते हैं थोड़ा बहुत 2-4 लोग आए हैं। इससे अच्छा तो हमारा गांव का लुक है। चेस बना हुआ है, कैसे खेला जाता है? आता है तुमको चेस खेलने? मुझे भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु पार्क आ गए। उधर ही चलते हैं। तो थोड़ा बहुत ये रहा, एंजॉय तो बच्चे कर ही लेंगे चेस खेल के।
कैसे खेला जाता है, हमको तो आता ही नहीं है, तो खेलें कैसे? हाथी मारा घोड़े को। आगे सैनिक है। अच्छा ये सैनिक है, ये घोड़ा है, वो मंत्री है, मंत्री है वो, तो इसको मार देगा इसे। हाँ खेलो, खेलने आता है? नहीं खेलने आता है। चलिए कहाँ, चलिए ये। अच्छा ये भी तो मैं चोरी, ये देखो ये चलिए ये इन ये भी इधर उधर जा सकते हैं। चलो सैनिक और वो करो, का जो लुक है वो कुछ है कि जैसे पुराने जमाने का चीज होता था उस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं झोपड़ी बना हुआ है चिड़िया का, और इसमें घास भी डाला हुआ है, और यहाँ पे चिड़िया का दाना डाला हुआ है। तो लड्डू कर रहा है झूलवा झूल कदम के फूल। करना लड्डू क्या कर रहा था? लड्डू के तो पुरानी आदत है, कहाँ नहीं यही है झोपड़ी ही में। हाँ बीच में लालटेन है और झोपड़ी वगैरह। अभी पार्क शायद कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, अगर बनेगा तो बहुत बड़ा पार्क बनेगा ये, है ना? गेम का तो जगह ना खाली था, जगह तो है ये है, यहाँ पूरा देखिए जंगल जंगल है इस साइड से, बट बेकार चीज भी है। मुझे तो पता नहीं, जंगल से बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ मुझे जंगल में घटना हो गया उस टाइम से बहुत डर लगता है। चलो फोटो खींचना समय जाके। अरे बाबू उसे देखो, लड्डू को देखो कहाँ है वो। देखो देखो क्या कर रहा है, देखो देखो कोई नहीं देख रहा है। सौम्या फोटो खींच रही है। अंधेरा हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छा खासा, और हम लोग अभी ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो आने वाली है, तो ऑटो आएगी तो हम लोग जाएंगे। हेलो, तो गाइस फाइनली हम लोग को ऑटो मिल गई, बट इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है। नहीं पी पाओगी परी, बड़ी कड़वा होता है। हमारा भी अब एक रुपये ना बचे तो ये वाला जूस मौसमी वाला चुकंदर का जूस मैं पी रही थी, तो सॉरी पी भी पी रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मौसमी का जूस निकल रहा है, छोड़ दो ले लो। और क्या करना, मौसमी लाना एक टीना, इधर रखो नीचे साइड में। गाइस फाइनली आ गए घर, अब बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया बिल्कुल भी आते आते, और आते टाइम मैं जूस भी पी कि वीट का जूस जो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। डॉक्टर बोले हैं 1 मंथ कंप्लीट करना है, मतलब 1 मंथ पीकर देखो, अगर ब्लड बढ़ता है तो अच्छा है, नहीं तो कुछ और देखा जाएगा। बट मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, और बाकी चेक के बाद ही पता चलेगा। बट मेरा बॉडी थोड़ा सा देख सकते हो कि आप लोग भी कि थोड़ा सा कम लग रहा है ना, डेली का रिकॉर्ड थोड़ा सा कम लग रहा है मेरा फेस वगैरह, नहीं तो बहुत ज़्यादा कभी कभी सूज जाता है। तो आ गई फाइनली, बट कुछ नहीं था पार्क में, बेफालतू का गई, यही है ना, सुनी और चली गई, बेफालतू का गई, कुछ
खास नहीं था। अगर बच्चे के लिए जाओ तो झूला वगैरह नहीं है तो क्या मतलब है पार्क का, कुछ नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि मेरा पैसा आना जाना रेंट, ऑटो रेंट और ऐसे ही खर्च हुआ। मैं बच्चे को बोली, बच्चे एकदम परेशान कर देते हैं पार्क के नाम सुनकर, चलो चलो चलो। फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा संडे आज लेकर चली जाती हूँ, इन लोगों का भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा क्योंकि कहीं नहीं जाती हूँ, तो इस लेकर गई। बट नहीं था कुछ भी नहीं, अच्छा था। भूत रो रहा था, भूत खापड़ पार्क था जैसे कुछ नहीं, दो चार लोग बैठे हुए हैं, वो भी लगता है कि हमारे जैसे ही पागल की तरह सुन सुन के जाते होंगे। और नहीं तो जिनका पास में घर है उनके लिए सही है कि इवनिंग में अपना बच्चे को मतलब फुटबॉल वगैरह लेकर, वो भी सुविधा नहीं है क्योंकि पत्थर है, कांटा है उसमें लगा हुआ, अभी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और एंट्री फीस भी एक पर्सन पे 20 रुपीज, मुझे लगता है वही कमाने के दरिया बना लिए हैं या और बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, अब तो आगे पता चलेगी। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट मुझे नहीं अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, समझ में ही नहीं आया कि ये पार्क है। खैर चलो, मन में ऐसा रहता कैसा है कैसा है, कम से कम जाकर देख ली। और यहाँ पर कपड़े वगैरह फेंक कर गई हूँ तो अभी एक्सचेंज करूँगी, देख सकते हैं, तो अभी चेंज करूँगी मैं कपड़े, तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फाइनली बाय बाय गाइज़।